सक्सेस मंत्र क्या है? सफलता का रहस्य। एक बार एक असफल व्यक्ति एक सफल व्यक्ति के पास पहुंचा। उससे पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है, क्योंकि मैं भी सफल होना चाहता हूं। सफल व्यक्ति बोला, असफल व्यक्तियों से ही मैंने सफल होना सीखा है। असफल व्यक्ति ने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया अपनी बात को स्पष्ट करें। तब उस सफल व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पहले यह बताइए कि आप असफल क्यों हुए। असफल व्यक्ति ने बताया, पहले मैं एक अमीर व्यक्ति था। सफल होने के लिए मैंने एक कंपनी खोली जिसमें मैंने अपना बहुत सा पैसा लगा दिया। मैंने बहुत जल्दी सफल होना चाहता था, इसलिए मैंने उसी साल एक दूसरी कंपनी खोल ली जिसमें मैंने अपना बचा हुआ बाकी पैसा भी लगा दिया। मैंने जल्दबाजी में दो कंपनियां खोल ली और मैं अपनी किसी भी कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाया। कुछ ही समय में दोनों कंपनियां घाटे में चलने लगी। मेरे पास उस घाटे को पूरा करने के लिए पैसा नहीं बचा था। धीरे धीरे कंपनी का घाटा बढ़ता चला गया और दूसरे ही साल मेरी दोनों कंपनियां बंद हो गई। आज मैं एक असफल व्यक्ति हूं। अब सफल व्यक्ति ने कहा, आपकी असफलता के दो कारण थे। एक तो आपने दो कंपनियां एक ही साल में खोल ली जिससे आप किसी भी एक कंपनी को पूरा समय नहीं दे पाए। दूसरा, आपने अपनी कंपनी में अपना सारा पैसा लगा दिया और जब आपको घाटा हुआ तो उससे उभरने के लिए आपके पास एक भी पैसा नहीं बचा। क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? असफल व्यक्ति बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं और मैं आपकी बातों से सहमत हूं। तो आपने अपनी इस असफलता से क्या सीखा? असफल व्यक्ति बोला, मैंने अपनी असफलता से सीख भी क्या सकता हूं। यह सफल होता तो बहुत कुछ सीखता। सफल व्यक्ति बोला, आपने अपनी खुद की असफलता से कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए आप अब भी असफल हैं। लेकिन मैं असफल लोगों की असफलता से ही सीखकर आज एक सफल इंसान हूं। मैं असफल लोगों के द्वारा की गई गलतियों से सीखता हूं और उन गलतियों को अपने जीवन में नहीं होने देता। यही मेरा सफलता का रहस्य है। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वह तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो चीज आपको मिल जाती है। जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए, वे ना पास्ट में जीते हैं ना फ्यूचर में, वे हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टॉफी चाहिए होती है तो उनका पूरा ध्यान उनकी पूरी शक्ति बस उस एक चीज को पाने में लग जाती है एंड एज ए रिजल्ट वे उस चीज को पा लेते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। सफलता को पाने की जो चाहत रखता है उसमें इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है और जब आप फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल जाती है। कई लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 साल से मैं भी सिक्स पैक्स बनाना चाहता हूं लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। व्हाट मैटर्स एंड व्हाट रिजल्ट इज द आर्ट एंड फोकस। जब तक आप नित दिन रात परिश्रम नहीं करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए
तब तक सफलता आपके हिस्से में कभी नहीं आ सकती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।